नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि इस फैसले से राजनीति बेदाग होगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जो है जाहिर की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट के फैसले पर स्वागत किया और लिखा, स्वागतम माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा फैसला जो बेदाग राजनीति और व्यवस्था में लोगों के विश्वास को पुख्ता करेगा। बता दें आपको, 7 जजों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में अपना पुराना फैसला पलट दिया है और पैसे लेकर वोट देने के मामले में सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की छूट दे दी है। मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामले में संसदीय विशेष अधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के आर्टिकल 105 194 के विपरीत है। आर्टिकल 105 एंड 194 संसद और विधानसभाओं में सांसदों और विधायकों की शक्तियों और विशेष अधिकारों से संबंधित है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि रिश्वतखोरी के मामले में इन अनुच्छेदों के तहत छूट नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करती है। वहीं जिस तरीके से यह फैसला है, इस फैसले की लगातार हर जगह अगर आप देखेंगे तो इसकी सराहना की जा रही है। लोग इस फैसले को एक ऐतिहासिक, एक बहुत बेहतरीन फैसला जो है बता रहे हैं और अब इस फैसले पर लगातार प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिले। एडवोकेट विवेक शर्मा जी क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, भी जरा सुनिए। जो सीता सोरेन वाला मैटर है, इसमें जो सेविंग जजेज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसने मेन मुद्दा यह था कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें अवेलेबल है कि नहीं है। तो मेन जो संविधान पीठ से मामला निकल के आया, जो पीवी नरसिम्हा राव केस का माइनॉरिटी जजमेंट था, वो एक तरह से अपहेल्ड हुआ है और मेजोरिटी को स्टक डाउन किया गया है। सीधी सी बात यह है कि ये एक ऑनेस्ट डेमोक्रेसी की दिशा में मील का पत्थर है। अब हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, एमपी एमएलएज हैं, उनको क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जम्पशन नहीं होगा। अगर वो रिश्वत लेते हैं और उसके बदले में वोट करते हैं तो एक ऑफेंस माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। अब वो रिश्वत नहीं ले सकते तो ये एक स्वस्थ और ईमानदार डेमोक्रेसी की दिशा में मील का पत्थर है। यहां पे मैं एक चीज और आपको पॉइंट आउट कर देता हूं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूनाइटेड किंगडम से ली, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को नहीं लिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को लिया। हमारे यहां पे भारत का संविधान सर्वोच्च है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय डेमोक्रेसी में क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी का कोई स्थान नहीं है। अब हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो कोई भी रिश्वत लेकर वोट नहीं डाल सकते। रिश्वत एक ऑफेंस है, एक अपराध है। इसका इम्पैक्ट इस चीज पे पड़ेगा, एक तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो ईमानदार होगा। अगर जनता के मुद्दे, एक तरह से जो राज्य की विधायिका है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और जो हमारी संसद है, ये एक लोकतंत्र का मंदिर है, तो यहाँ पे जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जनता के मुद्दे उठाते हैं वो ईमानदारी से जाके किसी भी चीज के लिए वोट करेंगे। वो ये नहीं है कि बाहर जाके उन्होंने कोई रिश्वत ले ली और फिर जाके वोट कर दिया। तो एक ईमानदार, तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत बढ़िया फैसला है। तो वहीं एडवोकेट अश्वनी कुमार का भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है अश्वनी कुमार का भी जरा सुनिए। मैं मानता हूं कि ये ऐतिहासिक फैसला है, सार्थक फैसला है, संविधान की मर्यादा और लोकतंत्र की मर्यादा को सशक्त करने वाला फैसला है। क्योंकि ये कहना कि विधायक और सांसद अगर पार्लियामेंट या असेंबलीज में करप्शन करते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चल सकता, ये पूरी तरह से गलत फैसला था। इस फैसले को आज दुरुस्त किया गया है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है और जो लोकतंत्र की मर्यादा है और संविधान की जो रूह है उसको सशक्त किया है इस फैसले ने, ऐसा मेरा मानना है।
तो जैसा कि आपने सुना है तो अश्विनी कुमार द्वारा इस फैसलों के ऐतिहासिक बताया गया। उन्होंने कहा कि बहुत ही बढ़िया फैसला है, एक ऐसा फैसला है जो कि लोकतंत्र को सुरक्षित करेगा और सांसदों और विधायकों के कहीं ना कहीं एक तरह से रिश्वतखोरी जैसे पाप करने से भी जो है इन पर रोक लगाएगा। वहीं जो है बीजेपी के नेता और एडवोकेट नलिन कोहली ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, राय रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं नलिन कोहली जी भी, जरा सुने। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया, सर्वसम्मति से जो फैसला आया, ये बड़ा एक गंभीर कानूनी प्रश्न था कि क्या कोई सांसद या राज्य में कोई एमएलए, उनके विशेष अधिकार जो है अनुच्छेद 105 या 194 के तहत, क्या उन विशेष अधिकारों के तहत क्या वो कोई गलत काम यदि करें तो कानून उन पर लागू होगा या नहीं। अब कांग्रेस की सरकारें थी, उन पर गंभीर आरोप लगे थे, वोट फॉर नोट फॉर वोट के आरोप लगे थे, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, जेएमएम को लेके आरोप आए थे, बाद में मनमोहन जी की सरकार पे भी ऐसे आरोप आए थे। तो प्रश्न ये था कि जो घूस लेने की या देने की प्रक्रिया हुई या जो आरोप थे, क्या वो विशेष अधिकार कार्रवाई को रोक पाएंगे, जो देश के कानून की कार्रवाई है उसे रोक पाएंगे या नहीं। और आज सर्वसम्मति से माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, भाई नहीं, ऐसे विशेष अधिकार जो है कार्रवाई के लिए होते हैं, पर उसमें कोई गलत काम अगर होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि मेरे विशेष अधिकारों के कारण देश का कानून मुझ पर लागू नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना, नलिन कोहली जी ने भी पूरे इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और बताया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इस फैसले से कितना कुछ जो है बदल जाएगा। राजनीति में भी इसकी काफी ज्यादा अहमियत जो है देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रिश्वतखोरी करना या रिश्वत लेकर वोट डालना, पैसे लेकर वोट डालना, इस तरीके के जो आधार होते हैं, सिचुएशन होते हैं, राजनीति में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है पैदा हो जाते हैं। और जस्ट बिकॉज की कोई एमपी है या विधायक है तो उसके कुछ पावर्स है उनके हाथ में, जिसकी वजह से उनके ऊपर नहीं हो सकती, इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता था। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कहीं ना कहीं राजनीति को और ज्यादा पारदर्शी जो है बना दिया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि 1998 के पीवी नरसिम्हा मामले में अपना फैसला खारिज कर दिया है। 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि कोई संसद या विधायक संसद विधानसभा में वोट भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता है। पीठ ने सर्वसम्मति से 1998 वाला फैसला खारिज कर दिया, जिसमें सांसदों और विधायकों को संसद में मतदान के लिए रिश्वतखोरी के खिलाफ मुकदमा चलाने से छूट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम पीवी नरसिम्हा मामले के फैसले से असहमत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों विधायकों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के ने जिस पीवी नरसिम्हा मामले का जिक्र किया वो झारखंड मुक्ति मोर्चा घूस कांड से जुड़ा है। 1993 में जेएमएम रिश्वतखोरी कांड के से देश की सियासत में भूचाल आ गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैश फॉर वोट मामला, 1993 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड आखिर क्या है। तो एक बैकग्राउंड भी हम आपको बताते हैं कि ये कौन सा रिश्वत कांड है जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस पर रिएक्शन दिया वो भी हमने आपको बताया है। अभी आपको ये बताते हैं कि आखिर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड जो 1993 ईयर्स में हुआ था, तो उससे जो ये कांड जो है ये पूरा है क्या। तो 1991 में आम चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, मगर बहुमत से दूर रही। उसे 232 सीटें मिली थी और बहुमत का आंकड़ा 272 था। प्रधानमंत्री पद के लिए पीवी नरसिम्हा राव के नाम ने सबको चौंकाया। देश उस समय तमाम परेशानियों से घिरा था, आर्थिक संकट चरम पर था, राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ रहा था, राव सरकार ने आर्थिक उदयीकरण के लिए कदम उठाए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने के बाद माहौल और बिगड़ गया। जुलाई 1993 में मानसून सत्र के दौरान राव सरकार के खिलाफ सीपीआईएम के सांसद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। उस समय लोकसभा में 528 सदस्य थे और कांग्रेस के पास 251 सदस्य थे, मतलब राव सरकार के पास बहुमत जुटाने के लिए 13 सीटें कम थी। 28 जुलाई 1993 को जब अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो उनके पक्ष में 251 वोट पड़े और खिलाफ में 265, यानी 14 वोट से प्रस्ताव खारिज हो गया। राव सरकार बच गई। 3 साल बाद वोट के बदले नोट का मामला सामने आया। 28 जुलाई को झामुमो और जनता दल के 10 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव को हराने के लिए वोट डाला था। सीबीआई ने सूरज मंडल, शिबू सोरेन, साइमन
मरांडी और शैलेंद्र मोहतो सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के खिलाफ मामले दर्ज किए। आरोप लगाया कि उन्होंने रिश्वत लेकर वोट डाले। संसद में झामुमो के कुल 6 सांसद थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। 5 जजों की बेंच ने 1998 में फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद में किसी भी सदस्य को संसद में दिए गए किसी भी वोट से संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी मामलों को खारिज कर दिया और करीब अब 2.5 दशक बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच 1998 में 5 जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया। 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को कहा कि अगर कोई विधायक संसद पैसे लेकर सवाल या फिर वोट करता है तो उसे किसी भी तरह की कानूनी छूट नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। और इसी के साथ मुश्किलें जो है महुआ मोइत्रे के बढ़ सकते हैं क्योंकि महुआ मोइत्रे पर भी सिमिलर केस है पैसा लेकर क्वेश्चन पूछने का। अब अगर आप देखेंगे तो इससे उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है क्योंकि अब कई तरीके से कानून जो है पलटे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त जो है आदेश और निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में हर व्यक्ति जो है हर अगर आप कहेंगे कि पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है और कहा और कह रहा है कि राजनीति और ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति में भी इसका काफी हद तक जो इफेक्ट है वो पड़ता नजर आएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि मेरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।